स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज का आज का जो सर्मन क्विकन एंड हेसन, जल्दी और जल्दबाजी। निकालिए मेरे साथ जबूर 119 60वीं आयत। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर ना लगाई। और इम्साल की किताब 19वां बाब दूसरी आयत, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। और लास्ट रेफरेंस पहला तिमोथियस 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत, किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना और दूसरे के गुनाहों में शरीक ना होना, अपने आप को पाक रखना। आमीन। कहिए वर्कजी, हमारी आयत है रूम में 12वां बाब की 8वीं आयत, कोशिश में बोलिए, सुस्ती ना करो। पहला क्रंथियों 15वां बाब के अंदर है, क्या भाइयों साबित कदम और कायम रहो, और हम जो खुदा उनके काम में अफजाइश करते हैं, लिखा तुम जानते हो कि खुदा में ये काम हमारा बेफायदा ना होगा। और प्रोस्पेथिया वर्ड ग्रीक पर, जिसका मतलब सिर्फ एक ट्राई नहीं है, ये हार्ड वर्क, इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ। और कलीसिया के अंदर बहुत इस पैगाम से मोटिवेशन है, जहाँ जहाँ कमियाँ थी हम दूर कर रहे हैं। और खिदमत के हवाला से जो खादमों में मैं देख रहा हूँ, वो भी एक तो मजमूई तौर पर जो स्पिरिचुअल एफर्ट का मतलब था, और बाइबल के जितने नबी खुदा के बंदे क्राइस्ट खुद, एक बड़ी जामफशानी जद्दोजहद जो है मुझे आपको करनी है, और सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं, थकावट की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर रिजल्ट मिलेंगे और टारगेट से जब चलेंगे। और जब आज के सर्मन के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूं, जल्दी और जल्दबाजी, क्विक एंड हेसन, जब इस दोनों की बात हम करते हैं तो बज़ाहिर एक ही मानी होता है जल्दी, मगर इनका थोड़ा फर्क है। जल्दी जो है इस कॉन्सेप्ट से मैं आज आपसे बात की जाएगी, जल्दी करना। कई जल्दी करने में जल्दबाजी भी कर जाते हैं, तो जल्दी ये बहुत इसके अंदर जो फर्क है स्पिरिचुअली, वो आप तक लाना चाहूंगा, ताकि हमारी एफर्ट जो स्पिरिचुअल कर रहे हैं या अपने दीगर शोबों में, हम जल्दी करते हैं या जल्दबाजी करते हैं, दोनों के रिजल्ट से पता चल जाता है कि ये जल्दी है या जल्दबाजी है। तो हम कहेंगे जी बजाय तो एक ही लग रहा है कि जल्दी और जल्दबाजी एक ही चीज़ है, नहीं, फर्क है। और किसी भी शख्स से आप पूछें कि आप जल्दबाज हो, वो नहीं मानेगा, समझे, कोई भी नहीं मानता कि मैं जल्दबाज हूं। हर कोई कहेगा कि मैं ठीक वर्क करता हूं, जल्दबाजी मेरे अंदर नहीं है। मानते हैं कि कोई भी अरादतन जल्दबाजी नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता कि जल्दबाजी करे, मगर उससे जल्दबाजी हो जाती है चाहे वो ना हो, समझे। तो ये बड़े बारीकी से मैंने आपको डेफिनेशन समझानी है, क्योंकि कोई नहीं मानता मैं जल्दबाज हूं। आप किसी को कहें जल्दबाज हो, तो भी बड़ा जल्दबाज है, तो वो अपनी इंसल्ट समझता है, समझे। मगर वो अपने आप को ना समझे, पर कहीं होता है जब उसके काम दिखे। तो होशियारी यही है कि जब पता चल जाता है कि जल्दबाज हूं, जिससे ये चीजें वकूह में आती हैं, तो वो अपनी जल्दबाजी को छोड़ दे, अच्छी बात है ना, छोड़ देना, के बजाय हम डिफेंड करें जी नहीं मैं नहीं हूं, फलां है या आप हैं। तो जल्दबाजी का कैसे पता चलता है, दुनिया में जितने हादसात होते हैं तो ये जल्दबाजी से ही होते हैं, ज्यादा और तरीकों से भी हो जाते हैं, पर जल्दबाज जो है ना वो जो है हादसात का शिकार होते हैं। पाकिस्तानी, हमारी जो ज्यादा मेजोरिटी बरे सगीर की है, ज्यादा तक पाकिस्तानी, ये तो जल्दबाजी ही के अंदर काम करते हैं, समझे, मेजोरिटी, मगर वो करना नहीं चाहते, अपने आप को समझते भी नहीं है, पर होता दिखता है,
समझे। तो अगर जल्दबाजी की बात समझ आ गई और जल्दी की क्विक एंड की क्विकनेस क्या चीज है और हेस्टी क्या चीज है, इनका फर्क पता चल जाए तो हमारी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। तो चूंकि हम इन बातों को समझते हैं बाइबल के मुताबिक, इसलिए वो बर्ताव करते हैं घरों में भी, कलीसियाओं के अंदर भी, खिदमत के अंदर भी उसी तरह दिखते हैं। और सुलेमान जो हिकमत दनाई से भरा पड़ा, उसने हिकमत से बहुत सी प्रॉब कही है इम्साल की किताब के अंदर। और इम्साल 19वें बाब के अंदर एक बात पढ़ी कि यह भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, और आगे लिखा है जो जल्दबाजी करता है भटक जाता है। तो उसका अब लिंक उसका नॉलेज से आएगा, समझे। जब भी एक वर्ष आती है उसका लिंक पहले ही से होता है। उसने वाजे कर दिया कि रूह इल्म से खाली ना हो। तो आप देखिए बनी इसराइल उठा के देख लें, होशिया की किताब के अंदर लिखा मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, इल्म ना होने से, खुदावंद का इरफान ना होने की वजह से वो भटक गए। और सुलेमान होली स्पिरिट जो उसको गाइड करता है वो यही कहता है कि ये अच्छा नहीं है कि रूह इल्म से खाली रहे और आगे जो चलने में जल्दबाजी करता है, जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है, समझे। तो चलना आम अपनी लाइफ में भी, स्पिरिचुअल खुदा के साथ चलना, ये सारे मानी कठे ही मैं दे रहा हूं स्पिरिचुअल एफर्ट के अंदर कि स्पिरिचुअल तौर पर कैसी कोशिश करनी, और दूसरे कामों के अंदर। तो इसी तरह यहां तो बने इसराइल चलने में जल्दबाजी करता था, रह गया। इतना लाड प्यार इसराइल को खुदा ने दिया, बहुत मिस्र से निकाला, किसी कौम को नहीं इसराइल को, उसको कहा मेरा पिलौठा है, आसमान खोल दिया उसके ऊपर और बर्बक बारिश बरसाता था, किसी चीज की कमी नहीं। आज भी इसराइल कहां बुलंदियों के ऊपर, बहुत कोविडेंट बांधे उससे, मगर वो हर वक्त खुदामंद को दुखी देते आए। और फिर बहुत हलाकत भी उनकी हुई, बहुत दुख उठाए उन्होंने। तो जो चलने में जल्दबाजी करता है, तो जल्दबाजी क्या वो करते थे, नॉलेज के ऊपर फोकस नहीं करते थे, कलाम के ऊपर, खुदा के अहकाम के ऊपर फोकस नहीं करते थे, दुनिया को देखते थे, यह फर्क था। अगर कलाम के मुताबिक वो फोकस करते देखते तो उनको मालूम पड़ता कि किस तरह चलना है। वो देखते थे दुनिया को, इर्द गिर्द की कौमों को, हित्तियों को, फिरजियों को, बेबीलोन को देखते थे, दूसरे एरियाज में देखते थे। हालांकि इनके पास बरकत उनसे ज्यादा थी, पर इनके अंदर लालच आता था कि हम उसकी तरह हो जाए, फ्लां कंट्री की तरह हो जाए, फ्लां फैमिली की तरह, फ्लां जिंदगी की तरह। तो फिर उनके माबूदों की तरफ चले जाते थे, खुदा के अहकाम छोड़ देते। तो अगर खुदा के कलाम पे फोकस करते, उसके हुक्म मानते तो कभी ना भटकते। तो वो चलने में जल्दबाजी दिखाते थे। तो एक चीज जो उनके अंदर पाई जाती थी, वो ज्यादा रिच होना चाहते थे। तो नबी उनको कहता है कि भाई हमें खुदावंद से ये सारी ब्लेसिंग लेनी है, मगर उनका ध्यान होता था कि दुनिया से हम ये बरकतें लें। तो उन्होंने नबी को संसार भी कर दिया इसी वजह से कि हमें प्रॉस्पेरिटी चाहिए। तो दुनिया को वो देखते थे, खुदा से वो दूर हट जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा खला उनकी जिंदगियों के अंदर था। अगर तो अकॉर्डिंग टू नॉलेज चलते और उसमें अपने आप को जल्द स्टेप लेते, तो ये जल्दी के मानी के अंदर बयान करूंगा, यानी अगर वो ओबे करते, अहकाम को ओबे करते, तो उसमें उनका जल्दी चलना ये मानी अभी आपके सामने आएंगे। पर अगर लैक ऑफ नॉलेज से आएंगे तो गलती करेंगे।
तो जल्दबाजी में मिस्टेक होती है। तो मैंने बताया हमारे मुल्क में तो हमारे मुआशरे के अंदर स्पेशली पाकिस्तान में तो हर बंदा ही जो है जल्दबाजी करता है, अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं होता, हर काम जल्दबाजी में करते हैं या देर से करते हैं, समझ। दोनों काम उनकी जिंदगियों के अंदर प्रॉपर, उनको एजुकेशन का नहीं पता होता अपनी लाइफ को किस तरह लेके चलना है, अपने घरानों के ऊपर फोकस करना नहीं आता, अपने फंक्शंस के ऊपर प्रॉपर फोकस करना नहीं आता, क्योंकि वो क्विकनेस और हेसन को नहीं समझते, जल्दी और जल्दबाजी में फर्क को नहीं पहचानते। और स्पिरिचुअल एफर्ट के अंदर जब लिखा रूमी बाब बाप ने कोशिश में सुस्ती ना करो, तो प्रोस्पैथिया वर्ड जिसका मतलब एक हार्ड वर्क, ये मामूली ट्राई नहीं होती वर्क, सख्त मेहनत, सख्त जाफशानी। तो बाइबल के जितने खानदान हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल की है, बहुत जाफशानी, बहुत मेहनत की है। और मुझे आप देखते हैं 42 ईयर्स मिनिस्ट्री में, कहीं आपने मुझ में सुस्ती देखी हो, थकावट देखी हो? क्राइस्ट और पॉल को देखे, पीटर को देखे, खुदा के लोग, वो स्पिरिचुअल फैमिलीज जो है वो बड़ी जाफशानी के साथ खुदा उनमें बड़ी। हमारी कलीसिया के अंदर हर खानदान जो है आप सब बड़ी मेहनत जाफशानी से चल रहे हैं और इन वक्तों को पहचानते हैं कि खुदा का काम क्या है, उसकी ऑनर क्या है। जल्दी कमानी यानी उबे करता हूं, और जल्दबाजी का जो मतलब उसमें क्या कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो हादसात दुनिया में इसी तरह आते हैं, झगड़े जो है जल्दबाजी से होते हैं। अभी किसी ने दूसरे का पूरा जुमला सुना भी नहीं होता। आप घरों में देखिए, एक बंदा दूसरे से बात करता है ना, तो वो उसके बात अभी मुकम्मल भी नहीं होती कि उसको आंसर आगे से दे दिया जाता है जल्दबाजी। यानी खुद से वो डिसर्न कर लेते हैं कि इसने कहना क्या है, तो वो उसने कुछ और कहना होता है, मगर पूरा जो सेंटेंस है जुमला नहीं सुनना, तो जल्दबाजी के अंदर जो जुमले बोलते चले जाते हैं तो झगड़े वकूक के अंदर आते। तो जल्दबाजियां जो है घरों के अंदर प्रॉब्लम का बायस होती हैं, ट्रेवलिंग के अंदर होती हैं, मिनिस्ट्री के अंदर होती हैं। तो लिखा है ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है। तो इसराइल फिर भटक गए, असीरी में चले गए, नबूकदनेज़र असीर करके ले गया दो कबीलों को, शाह असूर 10 कबीलों को असीर करके ले गया। 70 ईस्वी के अंदर यहूदी जो है आप देखें 21 लाख यहूदी मारा गया, फिर जंगे अजीम दो में ये 60 लाख यहूदी मारा गया। तो ये भटक जाते थे, चलने में जल्दबाजियां करते थे। तो अगर नॉलेज के मुताबिक हमारी रूह में पूरा इल्म हो, खुदा का इरफान हो, नॉलेज ऑफ लॉर्ड से भरे पड़े हो, जेनेसिस टू रेवलेशन तक सारी बातों का पता होना चाहिए, तो फिर आप देखें कि हमारी जिंदगी के अंदर किस तरह खुशी शादमानी होगी। आमीन। तो जो जल्दी और जल्दबाजी, क्विकन और हेसन के हवाला से, तो वो जल्दबाजी क्या करते थे चलने में, कि इल्म नहीं है, इल्म हो तो उनको मालूम हो कि कैसे चलना है। मेरे लोग बोलिए अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए, समझे। इसलिए जहां भी मार्फत कम होगी वहां पर गलतियां होंगी, वहां जल्दबाजियां होंगी। तो अगर आपको पूरा बाइबल का इल्म है, उसके मुताबिक चलते हैं, तो आपकी जिंदगी स्टेबल होगी, पीस होगा, खुशी होगी, शादमानी होगी। और आप सब जो कलाम के शिमा होते हैं, और जैसा कि क्रिस्टोलॉजी के हवाला से, एंट्रोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के अंदर मैं डिविनिटी ह्यूमैनिटी की तालीम दे रहा हूं, और आपने देखा कि क्राइस्ट की जात का हर पहलू आपके पास आ रहा है, तो हमें किस कदर मामूर होना है, किस कदर खुदावन की पहचान में आगे बढ़ना है। फिर जो 21वें बाब इम्साल की किताब में लिखा है कि जो साधक है, रास्तबाज, जो मेहनती शख्स है, हार्डवर्क शख्स है, उसकी तदबीरें जो है फरावानी का बाइस है। तदबीरों का मतलब प्लान्स, जो वो प्लान करेगा, उसकी हर एक एक्टिविटी जो वो करता है
वो फराबानी ग्रोथ का बाइस है, फराबानी का बाइस है, उसकी तदबीरें प्लान। मैं जो प्लान प्रोग्राम अपनी फैमिली के वाला से, चर्च के वाला से बनाता हूं, मुझे सक्सेस है उसमें, मैं फ्रूटफुल हूं, आप सबके सामने हूं। तो ये तदबीरें, ये प्लान्स, एक अगर मेहनती खुदा के अंदर होके जब करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये कैसे हो सकता है क्योंकि काम करे उसको उसका रिवार्ड ना मिले, अजर ना मिले? तो अगर नहीं मिलता तो फिर आगे क्या लिखा है 21वां बाद उसकी 5वीं आयत के अंदर कि मेहनती की तदबीरें फराबानी का बाइस है मगर हर जल्दबाज का अंजाम मुताजी है। हर जल्दबाज का अंजाम मुताजी, जो कोई शख्स, तो ये रिजल्ट आ गया सामने कि जो मुताज है वो किसी चीज में कमी महसूस कर रहा है, मुताजी है उसको, तो वो जल्दबाज शख्स है। इसका मतलब उसके डिसीजन ठीक नहीं होते, तो डिसीजन ठीक होंगे तो वो मुताज नहीं होगा। तो मुताजी ये कंफर्म करती है जिसमें पॉवर्टी जो है ये तो सर फहरिस्त है, इसके अलावा और चीजों के अंदर बड़ी बड़ी मुताजियां इंसान को आती है, तकलीफ, दुख तकलीफ, मुसीबतों, बीमारियों के अंदर मुताज हो जाता है, खुदा के घर तक पहुंच नहीं पाता, फेलोशिप नहीं कर पाता, तो मुताज ही है ना किसी का। तो अगर वो आजादी के साथ बड़ा फ्रेश खुदा के साथ चलता है हर काम में, तो आप देखिए उसको मुताजी नहीं है। इस तरह जॉब बिजनेस के अंदर वो मुताज है किसी का, वो जल्दबाज है, जल्दबाजी के फैसले इंसान को रुसवा करते हैं, मुताज बना देते हैं। तो मेहनती की तदबीरें बोलिए फराबानी का बाइस, मगर हर जल्दबाज, हर जल्दबाज, तो देख ले अगर मुताजी है तो जल्दबाज। अब मैं कहूं जी फलाह जल्दबाज है वो तो नहीं मानेगा, पर अपना रिजल्ट देख ले, रिजल्ट सही है ना। घर के अंदर अगर पीस है, ब्लेसिंग है, तो इसका मतलब है एक नॉर्मल खुदामंद में वो जिंदगी बसर करता मेहनती है। और जैसा लास्ट सर्मन में बताया, जरा सी नींद, जरा सी झपकी, जरा हाफ पे हाफ, यानी जो रेस्ट का टाइम नहीं है काम का, उसमें रेस्ट कर रहा है, उसमें हाथ पे हाथ रख के बैठा। तो लिखा है वो काहिल का ताकिस्तान है, वो काहिल का घराना, भी घराने में पाँव रखा जाए, कलीसिया में पाँव रखा जाए, तो कलाम की समझ रखने वाले लोग, घराने के अंदर प्रॉस्पेरिटी, बरकत। तो अगर वहां झगड़े हो, परेशानियां हो, वहां पर दुनियादारी हो, नाच रंग हो, तो आप यहां से अंदाजा कर ले कि वहां पर क्या पाया जाता है। तो सुस्ती, काहली, कांटे, बिच्छू पर फ्रूटफुल वो घराने, जिंदगियां, वाइनयार्ड होते हैं जहां पर खुदामंद का काम होता है। तो हर जल्दबाज जो है उसका अंजाम क्या है, बोलिए मुताजी है, इससे निकलना है। तो तदबीर कैसी बनानी है, फराबानी की, ग्रोथ की। मैं एक स्पिरिचुअल लीडर हूं, तो मैं कलीसिया की ग्रोथ, कलाम से आप रिच हो जाए, मेरे साथ टीम वर्क करती है, क्वायर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हैं, मैनेजमेंट है, आप सब फैमिलीज हैं, तो उसी तरह स्ट्रांग तरीके से कहीं भी सुस्ती का मजारा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं हो। जरा पे हाथ नहीं, जरा सी झपकी नहीं, यानी रेस्ट का टाइम, रेस्ट करें, या दिन में 4-10 दफा रेस्ट करें, मगर कहने का काम के वक्त नहीं। अगर काम के वक्त करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। तो ये मोटिवेशन हमें तालीमी तौर पर जॉब में, बिजनेस में, फैमिलीज में, स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर, हर जगह पर अपने असाइनमेंट जो है आपने पूरे करने हैं, कहीं भी गफलत का मुजाहरा नहीं करना। तो फिर जब बाइबल के अंदर जो सुलेमान हिकमत के हवाला से और बातें करता है, 29 बाप में भी एक वर्ष वो कहता है कि बेतामल शख्स को देखता हूं, बेतामल शख्स को देखता हूं, उससे ज्यादा अहमक से मुझे उम्मीद है। समझे, क्या तू बेतामल शख्स को देखता है? बेतामल का मतलब होता है जल्दबाज, जो बोलने में बेतामल है, जल्दबाज बोलने में, जैसा मैंने बताया ना, एकदम से जुमला कसते हैं, एकदम से जुमला बोलते हैं, पहले सुनो फिर बोलो।
और जो सुना गया उसके मुताबिक आंसर दो, नहीं तो प्रॉब्लम। तो हर कोई शियार बनता है। और आप देख लें कि जो आपको सुनने से पहले बोल रहा है वो जल्दबाज शख्स है, उससे वाइड ही करें, नहीं तो वो आपका नुकसान करेगा, आपको इंसल्ट का बाइस बनेगा। वो कोई काम उसके सपोर्ट करेंगे वो अधूरा छोड़ेगा उसको, क्योंकि जल्दबाज है, एकदम से डिसीजन कर जाता है करने के और छोड़ने के, करने के बोलिए और छोड़ने के, करेगा भी बहुत जल्दी और छोड़ेगा भी बहुत जल्दी, पर एक स्टेबल है। जिस तरह एक सीड ग्रेजुअली बढ़ता है, एजुकेशन के अंदर भी जो ग्रेजुअली जा रहे होते हैं, बिजनेस में जो ग्रेजुअली जा रहे होते हैं, जॉब में भी एक स्टेबल होते हैं। तो जो बाइबल बताती है बेतामल शख्स जो है उसमें इना साथ ना करना, अगर वो कोई प्रॉमिस करता है बोलने में उससे ज्यादा अहमक से उम्मीद रख लेना उससे नहीं। अहमक शख्स जो है ना, हालांकि वो तो बेवकूफियां मारेगा ना, उससे दूर रहना है, पर इस मैटर में कोई एकदम से जल्दी से प्रॉमिस कर देता है जी मैं ये आपके लिए ये करूंगा, उसका मत यकीन कीजिए। सोचे समझे अपने घर में मशवरा करें हर एक चीज, उसके बाद स्टेप। जो सोचे समझे बगैर वादे करते हैं ना, कलीसियों के अंदर भी, जिंदगियों के अंदर भी, घरानों के अंदर भी, दोस्त अहबाब के अंदर भी, बेतामल जल्दबाजी से फिर वो उसकी तकमील नहीं कर पाते, शर्मिंदगी खुद भी उठाते हैं, दूसरों को भी शर्मिंदा। प्रॉपर सोच समझ के बोलना चाहिए। एवं मूसा हलीम शख्स था, हम्बल शख्स था, और पूरे सफर के बियाबान के अंदर नॉर्मल जा रहा है, तो एक दफा कादिस के इलाके में चट्टान पे दो बार लाठी लिखा बगैर सोचे समझे। भी तू इतना दना आदमी है तो ये भी जल्दबाजी में बोला, बेतामल। अगर इतना बड़ा शख्स बोल सकता है तो आप कहें जी तो मेरे अंदर भी जल्दबाजी आ सकती है, आपके अंदर भी। तो लिखा खुदा ने कहा तूने मेरी तकदीस नहीं की, क्यों डबल स्टेक चट्टान के ऊपर मारी, क्यों? वो लोग तो थे ही बागी, पर तुझे तो समझ है ना, इसलिए जो खुदा के साथ चलता है वो अपनी समझदारी का मजाक करे। तो घरानों के अंदर वो भी वैसे ही हो जाए तो बेतामल नहीं बोलना। सुलेमान कहता है इससे बेवकूफ की बात मान लेना, ये जो जल्दबाज बंदा इसकी ना मानना, चाहे वो जितना मर्जी अपने आपको दना क्यों नहीं कहता है, तो ऐसे जल्दबाजी में एकदम से बोल ही जाता है जुमले, समझे, लंबी लंबी छोड़ता है। तो ऐसे ऐसे बंदा जो है ना वो कभी भी, तो ये सुलेमान की बातें हैं। और वाइस पांचवें बाप के अंदर लिखा है बोलने में जल्दबाजी ना करना, वाइस भी उसी ने लिखी है, मिसाल भी उसी ने, बोलने में जल्दबाजी ना करना। और आगे लिखा है तेरा दिल खुदा के हजूर बोलने में, यानी सोच समझ के, यानी जब तू खुदा के हजूर तेरा दिल कुछ कहे, कुछ ना कहे कि ऐसे ही जल्दबाजी में बोल दे। बाज लोग खुदा के हजूर, यानी इसका मतलब होता है कि वो मनते मान लेते हैं एकदम से, जल्दबाजी में खुदा के हजूर कुछ ना बोल, जल्दबाजी में खुदा के हजूर कुछ ना बोल, तेरा दिल कुछ ना बोले जल्दबाजी से। किसके हैं दुनिया में तो कर ही रहे हैं ना, अब खुदा के हजूर ना बोलना। बेशुमार लोग वादे कर देते हैं फिर कहते हैं जी मेरी जिंदगी में नुकसान क्यों है, अपना वादा भूल जाते हैं। दाऊद कहता है मैं मन्नतें पूरी करूंगा जो मैंने अपने मुंह से मानी, पूरी कराऊंगा वो तेरा मतलब, तेरा मन्नतें पूरी करूंगा, वो पूरी करते थे। तो खुदा के हजूर कुछ कहना है तो सोच समझ के, तेरा दिल कुछ ना कहे, तेरी बातें मुख्तसर हो, खुदा के हजूर वो तेरी लंबी तकरीर नहीं सुनना चाहता, तेरी बात वाजे हो, तेरा सब्जेक्ट वाजे हो, मुख्तसर बात कर उससे।
उससे तू कहे जी तू मुझे ये कर दे तो वो कर दे, इस तरह लोग जो है बार्गेनिंग करते हैं खुदा से, अगर तू ये करेगा तो मैं ये कर दूंगा, अगर तू मुझे पैसा देगा तो मैं ये कर दूंगा, फलां करेगा तो मैं ये करूंगा। ऐसे लोग जल्दबाज, जो एक नॉर्मल लाइफ में आपको ब्लेसिंग दी उसके मुताबिक खुदा के साथ चले। मसलन आप अर्निंग करते हैं, वो कहता है टाइट हो तो दो, अब इसमें बार्गेनिंग की क्या, अब कह जी नहीं मुझे इससे ज्यादा देगा तो दूंगा, तो ये जो है कुछ ना कह, मुख से बात कर, समझे, फिर देखें आपको कैसी बरकत। वाइज कहता है कि बोलने में बोलिए, जल्दबाजी ना कर, जो ठहराया गया जो कहा गया वो कर, तो अपनी तरफ से जो मर्जी ना बोलता चला जा, वो आसमान पे है जमीन पे है, तू अपनी जगह देख ले कि तू कहां रहने वाला है, और मैं बुलंदियों पर रहने वाला हूं, तो तू मेरे सामने ध्यान से बोल, मुख्तसर बोल, जल्दबाज ना होना, जल्दबाजी से कुछ मत कहना, जो कहना वो पूरा करना। हनन्याह सफीरा उन्होंने पूरा नहीं किया, खुदा का वो जो डोनेशन थी घर भेज कर कहा जी हम लाएंगे, तो फिर आधा लेके आए, तो इसका मतलब जल्दबाज थे, ये बात सामने आ गई, रूहानी भी थे मगर जल्दबाज भी थे। जल्दबाजी में डिसीजन का भी सोच समझ के करो, और जब सोच के कर लिया तो पूरा करो, तो जब पूरा नहीं कर रहे तो इसका मतलब जल्दबाजी में पूरा मैटर नहीं करते। आप कहते जी मैं फेलोशिप करूंगा, कहीं नागा नहीं करूंगा, भी सोच लो, समझे, भी करने हैं तो इसके मत जल्दबाज हो, कभी आते हो कभी नहीं आते, कभी आते हो कभी नहीं आते। तो अगर कोई फेलोशिप प्रॉपर करता है, उसको पता है मैं अपने खुदा की बारगाह में शिनवा होने के लिए जाना है, और उसे कहा है खुदा को, खुदा मैं तेरे कलाम का शिनवा होऊंगा, तो सोच समझ के बात कर, और की है तो फिर बरकत भी आप अपनी जिंदगी में देख लेंगे। इन बेटियों को मैंने अभी खड़ा किया है ना, ये रेगुलर है, खुदा के साथ चलती है। इनकी बड़ी बहन का मैंने बताया, वहां वो सरमन यूट्यूब पे सारे सुनती, फिर मेरे से बात करती है कि भाई साहब ये भी सरमन सुना, ये भी सुना, प्रीच कर रही, तो यही है रिजल्ट, यही है ना। तो आप सब खुदामंद में जोरावर है, और मैच्योरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना, अपना वक्त जो दे दिया वो उस पर चलना है। मैंने कहा कि मैं लाइव आऊंगा तो मैं आप नागे करके बैठ जाऊंगा, आप कहेंगे भी हम अपना वक्त निकाल के बैठे हैं, तो भाई साहब अपना तो फेलोशिप करें और रह जाएं, नागा कर जाएं, क्यों, कभी 42 साल में हमारा भी नागा देखा है। अगर कई बार आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं तो एक हफ्ते के बाद वापस आ गए, खुदा के साथ पूरी कमिटमेंट, बोलने में हमारी बातें मुख्तसर हो, का मतलब जो करना वो कहें आप, जो नहीं करना तो ऐसे एक दूसरे के साथ करते रहते, खादम भी टीमें भी, पूरा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर बातें मुख्तसर नहीं होती, शर्मिंदगी आप भी उठाते हैं दूसरे को भी देते हैं। तो खुदा के साथ चलते चले जाना, तो बोलने में जल्दबाजी ना करना, खुदा के हजूर जल्दबाजी से कुछ ना कहना, वो आसमान पे है तू जमीन के ऊपर है, तेरी बातें बोलिए मुख्तसर हो, तो ये हमारी लाइफ होनी चाहिए, क्विकन जल्दी पर, हेसन नहीं हो, हेस्टी नहीं हो, जल्दबाजी वाले नहीं हो, आपकी लाइफ एक नॉर्मल दिखे, बरकतों वाली दिखे, फ्रूटफुल बरकत देखे, क्लीसिया में भी घराने में भी, ये दो ही तो जगह होती, घराने में ठीक है तो क्लीसिया में भी ठीक होंगे, क्लीसिया में ठीक है तो घराना भी ठीक है, ये निशानियां हैं। और जो कहे जी मैं घर में ठीक हूं क्लीसिया में ना दिखे, वो नहीं ठीक, अगर कोई कहता है मैं क्लीसिया में ठीक हूं घर में ही ठीक, वो भी नहीं ठीक, दोनों पैरेलल हमें दिखे। और लिखा है जो अपने घर का बंदोबस्त करना जानता वो क्लीसिया की भी खिदमत मत करे, वो नहीं कर सकता। तो गवाहियां हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, और इस तरह स्ट्रांग दिखे, स्पिरिचुअल एफर्ट
के अंदर जरा भी सुस्ती थकावट नहीं होनी चाहिए। तो जो सब्जेक्ट हमारा स्पेशल एफर्ट के हवाला से, बोलिए कोशिश में सुस्ती ना करो, तो ये नहीं होनी चाहिए। तो जल्दबाजी जो है ये मुताज बना देती है, जल्दबाजी खुदा की हजूरी से दूर कर देती है। हम खुदा के साथ उसके बेटे बेटियां हैं जो बात कमिटमेंट करते। मैंने 42 ईयर्स पहले कहा खुदा मैं तेरी खिदमत करूंगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैंने कह दिया और सोच समझ के कहा। और अगर जल्दबाजी में कहूं करूं कुछ ना तो खुदा मुझे देगा बरकत, वो जरा भी ठींगा कुछ बरकत नहीं आएगी, ना रेवलेशन आएंगे, ना कलाम आएगा, ना मिनिस्ट्री आएगी। बोलते रहो जितना मर्जी शोर मचाते रहो, आपको जो तोड़ा दिया है उसका आप लेन देन करें, आप खुदा के हजूर साबित कर दें कि आप स्पिरिचुअल हैं, खुदा के बेटे बेटियां हैं। साबित करना होगा, दर्द अपने फल से पहचाना जाता। आप बाइबल स्टडी में आते हैं, आप प्रे फेस्टिवल में आते हैं, आप अपना रोजगार सब हर जगह पर बैलेंस हमें दिखना, सब कुछ कर सकते हैं, कि कोई चीज नामुमकिन नहीं। वो हनन्याह सफीरा जल्दबाज थे, अगर उन्होंने कमिटमेंट रू में करते तो पूरी करते। तो घरानों की जो कमियां हैं वो इसी वजह से हो जाती हैं कि जिंदगियों के अंदर बरकत नहीं रहती, क्योंकि जल्दबाजी से स्टेप लिए जाते हैं। तो किस तरह लेना चाहिए हमें? अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू बाइबल लॉ जो दिए गए हैं, रूह इल्म से खाली ना हो, समझे? भरपूर कलाम के मुताबिक चले तो फिर देखिए कि आपके अंदर तसल्ली, आपके अंदर खुशी, आप फ्रूटफुल खुदा के कामों में अफजाइश करेंगे, खुदा के कामों में ग्रोथ करेंगे, फराबानी का बायस बनेंगे और हमारी मेहनत उसमें बेफायदा ना होगी। आपका घराना, आपकी जिंदगी, आपका जॉब, आपका बिजनेस बताएगा कि आपको खुदा ने बरकत दी है। आप जल्दबाज लोग नहीं हो, आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हो, डिसीजन लेते हो। तो हमारी जिंदगियां जो हनन्याह सफीरा की तरह अगर होंगी तो फिर जल्दबाज होंगे और बरकत भी नहीं होगी। तो लाए भी हैं, आधा लेके हैं अभी, इसका मतलब है जल्दबाज थे, लालच था अंदर, और खुदा के लोग भी थे। आप, मैं हमेशा उस बात को सोचता हूं कि वो कलीसिया के लोग थे, हालां डोनेशन लेके आए, आधी लेके आए, यहां तो चौथा हिस्सा भी लेके आए तो पादरी उसको सिर पे बिठा लेगा। उनकी डेथ हो गई, पत्रस जनाजे में भी नहीं गया, गया उनके इसको बाहर ले जाओ, जाओ दफनाओ ऐसे लोगों को। तो खुदा ने यही बताया, तुम्हारी बातें मुख्तसर हो, साबित करना पड़ेगा कलीसिया के अंदर खादमों को भी, इस टीम को भी, कि जो कहते हैं वो वही है। आपको भी, मुझे भी, इंस्ट्रूमेंट बजाने वालों को भी, क्वायर को, बेटे बेटियों को, इंतजामिया, मैनेजमेंट, संडे स्कूल, मिनिस्ट्री, हर शोबे के अंदर कहीं भी झोल नहीं हमारी लाइफ के अंदर होना चाहिए। और मेजॉरिटी चर्च की हमारी खुदामंद में चलती है, खुदामंद आपको बरकत दे। तो जो चलने में, बोलने में, आप देखें बोलने में, चलने में जल्दबाजी करता है, भटक जाता है। तो बने इसराइल भटक गए, आगे सुनिए, गलत तालीमात, बिदते, हेरिसीज, फॉल्स टीचिंग, ये वहां आती है जो जल्दबाज होते हैं, समझे? क्योंकि जब कलाम ही नहीं सुनना, अपने पास से तुक्के मारने, समझे जी, ये मेरा दिमाग ये कहता है, मेरा दिल ये कहता है, भाई जो कलाम करता है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर रेफरेंस के साथ आप बात करें, तो हवाला पूरा पूरा जो है उसके मुताबिक जब चलेंगे। अब नहीं चल रहे तो जल्दबाज है, इसका मतलब क्या है? अपनी मर्जी करते हैं, अपने स्टेप लेते हैं और फिर रिजल्ट क्या होगा? भटक जाता है। क्या रिजल्ट होगा? मुताज होगा। क्या रिजल्ट होगा? खुदा की हजूरी में हलाक हो जाएगा, क्योंकि उसने जो खुदा की हजूरी डिसीजन लिया वो रॉन्ग लिया था। तो इसलिए जल्दबाज जो है वो मुताज हो जाते हैं।
रूह इल्म से खाली नहीं होनी चाहिए। और इसका मानी भी इतना डीप है, बाज जब मैंने बताया कि बिदती तालीमात आ जाती, गलत डिसीजन आ जाते हैं, इल्म में और खुदा के हुक्म में फर्क है। बाज सिर्फ नॉलेज अपने अंदर इकट्ठा करते हैं, हुक्म नहीं खुदा का मानना। हुक्म कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर। और पौलुस रसूल कहता है कि इल्म गरूर पैदा करता है, इल्म गरूर पैदा करता है, पर मोहब्बत तरक्की का बाइस है। लव ग्रंथियों के खत के अंदर तो हुक्म यह है, आपस में मोहब्बत रखो। अब इल्म में कहें जी मैं आलम हूं, बड़ा इल्म है मेरे पास, अभी सुन लो, पर लव नजर ना आए, इसका मैं हुक्म नहीं मान रहा। तो रूह इल्म से खाली, आप कहें जी मेरी रूह भरी पड़ी है इल्म से, अगर हुक्म नहीं मान रहे तो ऐसा नॉलेज जो है वो आपके अंदर गरूर पैदा कर देगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया ये लिंक वर्सेस का देंगे, बहुत डेप्थ सुलेमान इसमें बता रहा है। रूह इल्म से खाली ना हो का मतलब खुदा के अहकाम को मानना है, उबे करना है उसके ऊपर। इसका मतलब है कि जो उबे नहीं करता वो जल्दबाज है, और जल्दबाजी के अंदर हुक्मों से हटकर, इल्म से हटकर चलता है तो ये जल्दबाजी। पर जो हुक्म में रहता है, समझे, हुक्म के मुताबिक, इल्म के मुताबिक चलता है, उसकी लाइफ फर्क होगी। तो पतरस के अंदर बहुत जल्दबाजी थी, पतरस रसूल के अंदर बहुत जल्दबाज, समझे। खुदा ने कहा पतरस तू मुझे क्या कहता है, कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह, ये ठीक बात हो गई, पर कहा जल्दी एकदम से। इसका मतलब है रूह के अंदर होली स्पिरिट के ताबे था, एकदम से कह दिया, जल्दी से कह दिया। अगला ही लम्हा क्राइस्ट ने कहा कि मुझे अपनी जान स्लीप पे कुर्बान मरना है, तो उसने कहा ऐसा ना हो, ये जल्दबाजी, पहले जल्दी आप जल्दबाजी, पहले रूह के ताबे हो के बोला, अब जब राइसी के प्रोग्राम के खिलाफ बोल दिया तो ये जल्दबाजी में आ गया, समझे। तो क्राइस्ट ने क्या कहा, ए शैतान दूर हो, आप देखें कि एक वक्त में होली स्पिरिट काम कर रहा है, एक वक्त में साथ ही शैतान काम कर रहा है। पर्सनैलिटी पतरस, आप देखें इतने बड़े काबू आ जाते हैं लोग, तो एक काम अभी नॉलेज भी ना हो, उसकी फेलोशिप भी ठीक ना हो, वो अपने आप को बड़ा समझता हो, जी मैं बड़ा नॉलेज वाला इल्म वाला हूं, मैं तो जल्दबाज हूं नहीं। तो जहां तालीमी गलतियां करेंगे मसीह के हुक्म के खिलाफ वो जल्दबाजी हो जाएगी। तो वहां पर शैतान ने एकदम से जल्दबाजी करवाई, क्या नहीं, तो उसे कह दिया, क्राइस्ट ने कहा शैतान दूर हो जाए मेरी नजरों से, समझे। पर पहले क्या कहा, किसने ये बात गोच को ने, रू ने, होली स्पिरिट ने इसमें कही है कि जिंदा खुदा का बेटा, तो पहले भी जल्दी, दूसरी बार भी जल्दी, पर पहली बार जल्दी होली स्पिरिट किताबें, दूसरी बार जल्दी शैतान किताबें, वो जल्दबाजी, ये फर्क है, जल्दी और जल्दबाजी में फर्क। होली स्पिरिट किताबें होके बोलेंगे तो ये जल्दी जो है ये ओबीडियंस के अंदर आएगी, सोच समझ के आएगी। अगर हुक्म के खिलाफ, इल्म के खिलाफ आप दिखेंगे या बोलेंगे, बाइबल में लिखा है रिफाकत करो, वो करता नहीं है, तो ये बाइबल का गेंस ही हो गया ना। क्यों लोग रिफाकत नहीं करते, नीम गर्म होते, मुकम्मल मसीह की पहचान नहीं होती, वो जो कहते हैं ना मजबूरी या कोई बहाना, ये सब झूठ है। दुनियादारी चल रही है उनके अंदर, या चलने की कोशिश कर रही, या कोई गुनाह जगह ले रहा, ये होता है। वो कहते हैं नहीं नहीं हम बिजी हैं, बिजी नहीं, दुनियादारी जगह ले रही, कोई सिन जो आसानी से उनको ट्रैप कर ले वो ले रहा है जगह, तो वो फेलोशिप से दूर हट जाते हैं।
तो पतरस के अंदर जल्दी भी थी, जल्दबाजी भी थी, जल्दी भी थी, बोलिए जल्दबाजी भी थी। और क्राइस्ट ने पानी पे देखा क्राइस्ट को, तो उसने कहा मैंने भी आना है। खादम बड़ी कहते ना मैं भी इसी तरह करूं। ओ भाई क्राइस्ट की तरह पहले हो तो जाओ, समझ तो आ जाए, हम फौरन कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो उसने कहा आ जा भाई, फिर ठीक है वेलकम। तो डूबने लगा, नाना डूबता अब इसका मतलब डूबा है, इसका मतलब क्या है, जल्दबाजी, ठहराव नहीं है अभी, मगर दिल का सच्चा है, डिवोशन ठीक है, मसीह से प्यार करता है। मैं आप भी मसीह से प्यार करते हैं, मगर कई जल्दबाजियां भी कर जाते। तो जल्दबाजी कैसे करेंगे, पूरा इल्म नहीं, पूरा मुकाशवा नहीं, पूरी समझ नहीं, पूरा मसीह को तकते नहीं है, सिर्फ डिजायर है, ख्वाहिश है कि मैं ये कर लूं। तो ये जो इल्म से खाली होना, हुक्म ना मानना, तो ये दोनों चीजें पतरस के अंदर चल रही थी। फिर आप पांच कुबारियों को देख ले, पांच अकलमंद थी, और बोलिए पांच वो सुस्त थी। सुस्त का मतलब क्या है, वो इसका मतलब जल्दबाज औरतें थी, समझे, जल्दबाजी, इसका मतलब जहां सुस्ती आएगी वो जल्दबाजी आएगी। बारात रात इसराइल में 12 बजे आती थी रात को, और सारा फिर चैंबर वो बंद कर देते थे, ना कोई बाहर जा सकता ना अंदर आ सकता। तो अब लेने जाए ना, खरीदने कहां जाएंगी, और जब काना ग्रीन में पानी को मैं बनाया, यही वजह थी, कुछ आ ही नहीं सकता था भाई कुछ लेने को, सब डोर बंद थे। तो क्राइस्ट ने मिरेकल किया, क्राइस्ट वहां था, तो उनकी मशीनों के अंदर तेल नहीं था, सुस्त थी, सुस्त बचत। तो ये कमारियां कलीसिया को जाहिर करती हैं, समझे, ये किंगडम की मिसाल है। पांच अकलमंद जो है बिलीवर लोग, पांच जो सुस्त कमारियां, नींद गर्म कलीसिया, नींद गर्म बिलीवर, प्रॉपर तैयारी नहीं होती, पर इस्तकबाल के लिए वो कहते मैंने भी खड़े होना, मेरी भी कलीसिया में वही अहमियत है। बे रिजल्ट दो, अपनी तैयारी पूरी पूरी दिखानी है। तो वो जल्दबाजी के अंदर भी नहीं, नहीं नहीं हम इसी में कर लेंगे, भाई प्रॉपर पूरी तैयारी, फिर आप इस काबिल होंगे कि मसीह का इस्तकबाल कर सकेंगे। आमीन। मसीह का इस्तकबाल करना ऐसे ही अधूरा सा, अधूरे से हो जी, मसीह का इस्तकबाल करना है। मैं बिलीवर हूं, मैं कलीसिया में रहता हूं, मेरी कोई अहमियत है, भी अहमियत है, मुकम्मल तैयारी कलीसिया के साथ, मुकम्मल तौर पर वबस्तगी, समझे। तो वो जल्दबाज थी, मगर पांच जो अकलमंद थी वो उबे करने वाली थी। तो जो उबे करते हैं उन्होंने जल्दी की, यानी पूरी तैयारी के साथ कि देर ना हो जाए। और सुस्त जब गई, जल्दबाज जो थी, अब जल्दियां फुटतियां जो की ना उन्होंने, तो फिर दरवाजे नहीं खुले, डोर बंद हो गए। तो हमें अपनी लाइफ के अंदर जल्दी भी दिखानी है, जल्दबाजी नहीं। तो फिर जब आप खरूज की किताब 12 बाब के अंदर देखें, तो लिखा है जब वो मिस्र से निकले, फसा के बरा को उन्होंने जबा किया, चौक चौक के ऊपर ब्लड लगाया, और जब निकलना था आधी रात को, तो लिखा है क्या उनको हुक्म दिया, लाठियां पकड़े हुए, पांव में जूतियां पहने हुए, और चलते चलते फसा खानी है, क्योंकि ये खुदावंद का फसा, समझे। और आगे लिखा है जल्दी जल्दी खाना, यानी फसा जल्दी जल्दी खाना, और लाठियां ली हुई, इसका मतलब है हमने ट्रेवल करना है, और फसा को खाना भी है पर जल्दी, इसका मतलब है कि मसीह के साथ चलते हो तो फिर आगे चलना है, उधर ही ना खड़े हो। यहां कहते हैं कि सेव्ड है, यहां कहते हैं बलिस्टर है, और चलना चुलना है नहीं, काम कुम करना नहीं है, सोल विनिंग करनी नहीं, समझे जी, बलिस्टर हूं भी, लाठी तेरे हाथ में, पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहने हुए,
सा खुदावंत की खानी हो। पालू से अमाल की किताब के अंदर लिखा ना, सारी रात वो कलाम सुनाता रहा और मिडनाइट उन्होंने फसा खाई। और फसा खाने के बाद पालू ने क्या किया, क्योंकि लिखा है लाठी तेरे हाथ में, जूतियां तूने पहनी हो, वो सोया नहीं, बैग डाला उसने और फॉरन ट्रेवल, यानी अर्ली मॉर्निंग, अभी सूरज भी नहीं निकला, सारी रात कलाम सुनाता रहा और फिर फसा में शरीक होकर चला। फसा ये बताती है कि मैं एक रूहानी आदमी हूं, फसा खाने वाला, होली कम्युनियन में शरीक होने वाला शख्स कभी भी सुस्त नहीं होगा और उसको कोशिश में सुस्ती भी नहीं करनी चाहिए। अगर फसा वो खाता, अगर उसने फसा खा ली, अगर वो होली कम्युनियन में शरीक हो गया, लाठियां हाथ में, पांव में जूतियां, पूरी तैयारी के साथ और जल्दी 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 जल्दी, ये फसा जल्दी जल्दी, मैं आप यहां से जल्दी निकलना है आसमान की बादशाही में, अगर तो फसा खाएंगे, अगर फसा नहीं खाएंगे फिर नहीं। अगर कोई होली कम्युनियन में शरीक होता है तो वो जल्दी करता है, यानी उबेक करता है, समझे, और अगर कोई नहीं करता वो कहता नहीं चले जाएंगे, कभी आया कभी जल्दबाजियां दिखाता है ना, कभी किसी कामों में बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी दिखाता है। एक नॉर्मल लाइफ मसीह के अंदर, बैलेंस लाइफ, पैरेलल लाइफ, घराने की, कलीसिया की, एक बिलीवर हर तरह बरकत के अंदर दिखना चाहिए, उसकी तरक्की दिखनी चाहिए, उसकी खुशी खुदावंत के अंदर हो। सबसे बड़ी खुशी खुदावंत की हजूरी में, अगर तू सब्बत के रोज अपना पांव रोक रखे और अपने खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे और खुदावंत का तालिब रहे और उसकी इज्जत ताजीम करे उसके दिन की, तो लिखा तब तू खुदावंत में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और तुझे तेरे बाप याकूब की मेराज से खिलाऊंगा। तो बनी इसराइल ने उस वक्त जल्दी की, पर आगे जल्दबाजियां फिर उनकी लाइफ में शुरू हो गई, वो भटक गए, खुदा से दूरी उन्होंने बनाई रखी। इसलिए हम अपनी लाइफ के अंदर सुनिए, जल्दी करनी है इसका मतलब हुक्म मानना, हुक्म मानने के बाद फौरन अमल करना है, फौरन ये जल्दी, ये क्विकनेस होनी चाहिए। पर अगर उबे नहीं करते, अपनी मर्जी के कदम उठाते हैं तो जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में मिस्टेक करेंगे, खुदा के अहकाम के बरक्स चलेंगे, हाथ साफ रुकों के अंदर आते हैं, चाहे रूहानी में देख लें चाहे घरानों के अंदर देख लें, हमारी लाइफ के अंदर उबे करना, समझे। अब सुनिए दाऊद क्या कहता है, जबूर 119 उसकी साठवीं आयत, उसने कहा मैंने तेरी शरीयत को मानने में, बोलिए, जल्दी की, देर ना की। शरीयत को मानने में, बोलिए, जल्दी की, यानी उबे किया। और उसे ऊपर आयत में लिखा है मैंने अपनी राहों पर खूब गौर किया, मैंने अपनी राहों पर खूब गौर किया और अपने कदम तेरी शरीयत की तरफ मोड़े। मैं टर्न हुआ, मैं काबे हुआ, मैंने जल्दी की, मैंने अपनी लाइफ के ऊपर गौर किया और अपने कदम तेरे कलाम की तरफ मोड़े, तेरी शरीयत की तरफ मोड़े। आमीन। तो आप देखिए कि हुक्म मानने वाले जो हैं वो लोग दिलेरी के साथ वो खुदा को उबे करते हैं। तो मैंने तेरे हुक्म को मानने में जल्दी की, देर बोलिए ना की। ये क्विकनेस और हेसन का फर्क है। अगर तो देर करते हैं, समझे, तो जब फिर देर करने के बाद स्टेप उठाएंगे तो जल्दबाजी में स्टेप उठाए, और जब हुक्म सुन लिया है तो फौरन उबे करें, फौरन, ये जल्दबाजी नहीं है, ये जल्दी। हुक्म दे दिया गया है, उसको क्या करना है, उबे कर। इसलिए रिफाकत रखने वाला उबे कर रहा है, रोटी तोड़ने वाला यानी होली कम्युनियन में शरीक करने होने वाला उबे कर रहा, ठीक है, ये जल्दी कर रहा, ये होशियारी है उसके अंदर
और वो खुदा के कलाम के ऊपर अमल कर रहा है। आमीन। फेलोशिप में आया है ना, आपको फिक्र रात ही पड़ गई कि हमें भाई जाना है, अपने कपड़े ठीक करने। हमारा चाहे तो सारा ऐसा ही है, आप सब इसी तरह, मुझे सबका पता है। तो अगर मुझे दिखे ना तो इसका मतलब है उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, वो ओबे नहीं कर रहे। अगर ओबे करें, आप अपने घरानों के अंदर हर रोज दिखते हो ना, तो ओबे करते हो ना एक दूसरे को। तो कहो जी आज मैंने घर नहीं जाना, कभी ऐसा हुआ? ये दफाकत में ही कुछ हमें हो जाता है प्रॉब्लम। हर काम कर सकते हैं, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। हम सारे काम करके आपके सामने खड़े होते हैं, सारा सारा दिन, सारी सारी रात लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो उबे करना है। मैंने शरीयत को मानने में बोलिए जल्दी की, अपनी राह पे गौर किया, कदम मोड़े कि कहां मैं कम हूं, समझे? तो वो लोग खुदावंद में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो दाऊद की लाइफ उठा के आप देखिए, और जो बेतामल बोलते हैं, चलने में जल्दबाजी करते हैं, खुदा के हजूर ऐसे ही लाइफ जल्दबाजी में पीछे रह जाते हैं। पत्रस रसूल वो हस्ती फिर बना, अमाल की किताब के अंदर शमाउन जादूगर, उससे पत्रस से कहा रुपए ले ले और मुझे अथॉरिटी दे, इख्तियार दे कि मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वो रूह कुदस पाए। वो जादूगर था, वो लेन देन चीजें लेके दे के वो सोचते इन चीजों से जो है ये इख्तियार मिलते हैं। पत्रस के अंदर अब जल्दबाजी खत्म हो गई, समझे? पहले तो जल्दबाजियां उसकी बताई, एक जल्दबाजी उसने कान भी उड़ाया था जल्दबाजी, हालांकि क्राइस्ट साफ था, फंसा खा के निकले थे, पालूस को देखे तो खिदमत में चला गया, ये अभी कान उड़ाता फिर रहा, समझे? ये जल्दबाजियां करता था, समझे? क्राइस्ट का तू यार क्या कर, तलवार को रख अपनी म्यान, समझे? तो मगर जब तैयार हो गया, समझे, फिर फिलिपस ने बुलाया था पतरस को कि लोगों के हाथ रखो, ये शमौन जादूगर ने तोबा कर ली हुई है, बपतिस्मा भी ले लिया हुआ है, इसको रूह कुदस का बपतिस्मा चाहिए। तो उसको भी कुछ शक ही होगा, उसने कहा पतरस को बुलाते हैं सीनियर को, तो फिर ज्यादा क्योंकि मौजे करने वाले नॉलेज से खाली होते, मैं ये आपको बता दूं, वो सीधा नाम मसीह का लेते हैं, मौजा हो जाता है। इल्म जो है हीलर्स के पास नहीं होता, चाहे बैनी क्यों ना हो, मैं आपको साफ बताऊं, इल्म से खाली होते हैं, कम होता है, डिवोशन पूरी होती है, हीलिंग में जुट जाते हैं। इसलिए तो मसीह ने कहा वो जो कहते हैं ना तेरे नाम से मौजे किए, बदरूहे निकाली, मुर्दे जिंदा किए, मसीह कहेगा मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम मुझे जानते नहीं थे, मेरे नाम से तो कर लिया। इल्म, पूरा इल्म कलीसियाओं के अंदर, हम कलीसियाओं के अंदर बीमारों की लाइनें नहीं लगाते, आप बिलीवर हैं, आप मसीह को जानते हैं, और फिर बीमार ऐसे उपाधि काम ने अगे ले आओ जी, एक कदों तो कलीसिया के अंदर ये ठीक नहीं हो रहा, नहीं आप सब यीशु के खून से पाक ही है। आमीन। शिफा आती है यीशु के खून से पाक है। खून बहाया, स्लीप पे जान दी, फिर कहते जी गुनेगार, फिर कैसे गुनेगार, जब वो गुनाही ले गया, आप नहीं, अब पाक जिंदगी बसर करो, फिर बीमार हो, फिर लाचार हो। तो पतरस के अंदर जल्दबाजी अभी खत्म हो गई, तो हाथ एकदम नहीं, पहले तो उसमें यही पढ़ाना, हाथ रखने में जल्दबाजी ना करना, ये पहले जल्दबाज था, अब कह, अब इसको समझ आ गई हुई है, अब इसने हाथ रखने में जल्दबाजी नहीं की। तो क्या पूरा इल्म था, तेरे रुपए तेरे साथ, गाली को तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करना चाहा, खुदा ने कहा मुफ्त लिया, मुफ्त दो, ये मिनिस्ट्री फ्री होती है, पैसे से नहीं होती, इतना चंदा डालो फिर शिफा मिलेगी, फ्री, यीशु ने जब खून फ्री बना बहाया है तो उसके खून से शिफा, पैसे से तो नहीं,
इसलिए बाइबल मुकद्दस के अंदर उसने कहा ये पैसे दे के मुझसे ये इख्तियार मांगना चाहता है, हाथ रखने में जल्दबाजी उसने नहीं। या तो आओ जी रूल कुदस दे आपको, जो मर्जी पता है नहीं कि इसने तोबा भी की है या नहीं की, आगे आ जाओ बोलते रहते हैं जो मर्जी जिसको मर्जी हाथ लगा के क्या जी बरकत देनी हो। भाई सोचो कि कलीसिया का हिस्सा है, गुनेगार है, नॉन बिलीवर है, बिलीवर है, कितना नॉलेज रखता है, क्या हिकमत दलाई, किस लिए आया है, कोई पता। दुनिया भर में जल्दबाजियां चल रही है, समझे, जल्दबाजियां चल रही, जल्दी जरूर करनी है पर कलाम के मुताबिक, हुक्म के मुताबिक। पौलुस ने तिमोथियुस को कहा हाथ रखे जल्दबाजी, इसका मतलब है पौलुस भी पतरस भी जल्दबाज लोग नहीं थे। आमीन के थे, तभी तो कहता है तिमोथियुस को कि जल्दबाजी नहीं, तो जल्दी होनी चाहिए किसमें, हुक्म मानने, समझे, जो कहा गया बाइबल में आपने पूरा किया तो ये जल्दी है। इसका मतलब है आपने कोशिश में सुस्ती नहीं की, जल्दी करने वाला कोशिश में सुस्ती नहीं करता। लिखा है मैंने तेरे हुक्म को मानने में जल्दी की, आपने देर ना की। लूत ने देर की ना, खुदा कहता है जल्दी निकल यहां आग बसाने को, वरु जीत रहा है, कहता है मैं जीत ही लूंगा, अब अपनी मिसेज आज बचाऊं, तेरे पास इतना वक्त था, बच्चों को भी नहीं बचा रहा, बेटियों को भी नहीं बचा रहा, अब समझ आई कि यहां रह जाना इन्होंने, और वो बीबी रह ही गई, हस्बैंड का भी हाथ छोड़ दिया, फरिश्ते का भी छोड़ दिया, अब्राहम का भी छोड़ दिया, फेलोशिप से दूर हटने वाले लोग यही अंजाम होते हैं। और लूत लगा जल्दी करने, फरिश्ते ने जल्दी, तूने क्यों देर लगा दी है, जल्दी उसको निकाला वहां से, जल्दी कर यहां से, इस दुनिया में जल्दी जल्दी निकलना है फंसा खाते हुए। यीशु आने वाला है किसी भी दिन, वैसे भी जा सकते हैं, रैलत भी हो सकती है, मैंने आप कलाम सुना रहा हूं, खुदा में कभी भी खुदा ला सकता है, पर उसके पास जाओ। आमीन। ये नहीं कि पीछे कहेंगे बड़ा अच्छा सा बंदा चाहे वो दुनिया में हो, खुदा के साथ चलता दिखे, रिफाकत में दिखे, गवाही हो, खुदा की पूरी पहचान एक एक शख्स को होनी चाहिए, फिर देखे कि किस तरीके से बरकत हमारी जिंदगी के अंदर। तो लूत जो था उसने देर लगा दी, पर दाऊद क्या कहता है, उसे भी गलती हुई, पर जब उसने तौबा कर ली तो लिखा मैंने अपनी राहों पर गौर किया और अपने कदम तेरी शरीयत की तरफ कलाम की तरफ मोड़े, और लिखा है अगर मेरी खुशनूदी तेरी शरीयत पर ना होती तो मेरी जिंदगी हलाक हो जाती, मैं तेरे कलाम से डरता हूं, कांपता हूं, मेरा जिस्म कांप जाता है तेरे कलाम के सामने, कि मैं तेरे कलाम से हटू ना, मेरा जिस्म कांप जाता है, मैं कभी नहीं हटूंगा तेरे कलाम से, कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, मैंने मोड़ लिए हैं अपने कदम, मैंने जल्दी की है तेरी शरीयत को मानने में। आप फेलोशिप करते हैं अपने जल्दी की है हुक्म मानने में, और अगर आप कहते हैं आज भी रह जाओ आज भी रह जाओ आज भी, आप दुनिया में खोए हुए, कोई गुनाह अंदर जगह बना रहा, ये सुस्ती क्यों आए हमारी जिंदगी, कलाम पढ़ने में सुनने में क्यों हम शिनवा ना हो, पूरा फोकस हमारी जिंदगी के अंदर होना चाहिए। और फिर वो कहता है हर बात का हर चीज की इंतहा, कमाल जो होती है वो इंतहा होती है, किसी भी चीज को ले ले वो आप कहें जी ये कमाल है, यानी इंतहा उसकी कमाल होगी हर चीज की, पर कहता है दाऊद पर तेरा हुक्म उनसे भी वसी है, वो तो इंतहा है, वो तो उससे भी आगे, तेरा हुक्म, हुक्म मानना कैसे ना मानूं। और अगली बात सुनिए वो क्या कहता, कहता है कि मेरी आंखें हर पहर से पहले खुल जाती ताकि तेरे कलाम पर ध्यान कर। एक पहर 3 घंटे का होता है, समझे, मेरी आंखें रात को हर पहर से पहले
खुल जाती, जल्दी करती है। उठ कलाम के ऊपर गौर कर, उठ, जल्दी करता है। आप भाई में देखें, जबूरों को पढ़े, आज तक जबूर गाए जाते हैं। उस शख्स ने लिखे जो ध्यान करता था रात के पहरों के अंदर, कलाम के ऊपर गौर करता था, बेशुमार नबूवतें उस शख्स ने की। वो नबी नहीं था, वो बादशाह था, पर नबी की खिदमत भी उसको मिल गई। गीत गाता गाता प्रोफेसी करने लगा, तो उसको नबी भी बाइबल में कह दिया गया, पर मिनिस्ट्री उसकी किंग की थी, यहूदा का बादशाह था वो नबी नहीं था। उसके दौर में सैमुएल नबी था, नाथन नबी थे, पर वो किंग था। पर नबूवत की राह से ऐसी ऐसी नबूवतें की, सलीब के ऊपर जो नबूवत, जो प्रेडिक्शन फुलफिल होती है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ पे सौंप, ये दाऊदी ने की। जबूर 31, जबूर 2 में वो प्रेडिक्शन कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है कि मैं अपने बादशाह को, अपने मसीहा को, मसीह को अपने तख्त के ऊपर बिठा चुका, बादशाह मान रहा है। जबूर 110 में कहता है, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, यहोवा को जी उठने की कुदरत को, हाई प्रीस्ट को, मलकिसदक को प्रोफेसी कर रहा। जबूर 16 में कहता है कि मेरे मकदस की सड़ने की नौबत नहीं आई, कब्र के अंदर दफन का बता रहा है कि ये जी उठेगा। जबूर 22 में कहता है, ऐ खुदा छोड़ दिया मुझे, ये भी सलीब के ऊपर जो है कलमा बोला गया। ये नबूवतें अब दी बादशाह की, सन ऑफ गॉड की, रेजरेक्शन की, डेथ की, ये सारी नबूवतें कौन कर रहा? जो हुक्म मानने में जल्दी करता है, जो हुक्म मानता है देर नहीं करता। ये तो जल्दी है, और जो देर कर जाते हैं और फिर स्टेप उठाते हैं जल्दबाजी में, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर चलेंगे तो ये जल्दी, अकॉर्डिंग टू बाइबल ना चलेंगे तो जल्दबाजी के अंदर बहुत से गलत काम कर जाएंगे जिसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पर बाइबल के लोग हुक्म मानते हैं, और हुक्म मानने में देर नहीं करते, जल्दी करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। हार की जगह हां, ना की जगह ना। ऐ भाइयों साबित कदम, और उसमें कायम रहो, उसके कामों में बोलिए इफ्जाइज करो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है, इसलिए कोशिश में सुस्ती ना करो। आइए बरकत पाने के लिए खड़े हो जाइए और शुक्रगुजारी करें।